अगर इंडिया जब तक हमारे पास नहीं आता नहीं खेलता है हमें कोई जरूरत नहीं है। वी आर बेटर देन देम, हमारी क्रिकेट उनसे बहुत ऊंची है और बहुत जबरदस्त है, हमें इनकी फिक्र नहीं है। मैं कहता हूँ भाड़ में जाऊँ नहीं। जावेद मियांदाद जैसे खिलाड़ी से अगर आप ऐसे कमेंट एक्सपेक्ट करेंगे तो इससे पता चलता है कि किस लेवल पे थॉट प्रोसेस है पाकिस्तान का, प्लस ना उनका दिमाग ज्यादा बड़ा हुआ है। कैसे वो बात कर रहा है ये बताता है कि वो कितना एजुकेटेड है। देखिए बातें कैसे कर रहा है ये, मेरे को आपको नहीं लगता कि अगर कोई हिल गया थोड़ा सा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, मजा आया। अगर इंडिया जब तक हमारे पास नहीं आता नहीं खेलता है हमें कोई जरूरत नहीं है। वी आर बेटर देन देम, हमारी क्रिकेट उनसे बहुत ऊंची है और बहुत जबरदस्त है, हमें इनकी फिक्र नहीं है। मैं कहता हूँ भाड़ में जाओ नहीं आते तो जाओ, हमें क्या फर्क पड़ा। इनके अपने लोग मोदी को मारेंगे क्योंकि ही इज गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। तुम नेबर को कैसे चेंज कर सकते हो, आप पड़ोस को कभी भी खत्म नहीं कर सकते, मगर ये आग आप बढ़ा रहे हैं इसका दोनों तरफ फायदा नहीं होना। तो ये चीजें जब तक स्पोर्ट्स वो चीज है कि ये बुराइयों से बचाती है, ये एक दो कंट्रियों को मिलाती है, इससे आपके रिलेशन बनते हैं। तो मेरा तो बिल्कुल सहन कि हमें कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। यहाँ जावेद मियांदाद के दिल में थी, जहन में थी, अब दिल की बातें जो हैं वो रंजिशें सामने आ रही। देखिए विक्रांत क्या बात कर रहा है, कोई किसका तुक नहीं है। जैसे वो बात कर रहा है ये बताता है कि वो कितना एजुकेटेड है। ये सबसे पहले पॉलिटिक्स में ज्यादा ऊंचा बोल देना, क्रिटिसाइज कर देना, ऐसे नहीं चलती गवर्नमेंट से ना। सही बात। और देखिए बातें कैसे कर रहा है ये, प्रधानमंत्री जी को इसने कुछ बोला था, ये सब जो यही दर्शाता है कि इसकी बैकग्राउंड क्या है और इसका एजुकेशन कैसी है। ऐसा ये मेरे को आपको नहीं लगता कि अगर कोई हिल गया थोड़ा सा। थोड़ा नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि ज्यादा हिल गए हैं। और बातें भी उनकी वाकई में, मतलब जावेद मियांदाद की बड़ी इज्जत हुआ करती थी इंडिया में किसी जमाने में। हालांकि दाऊद इब्राहिम और ये समझी भी हैं, ये भी आप ध्यान से कहते हैं ना कनेक्ट द डॉट्स, वो चीज भी समझिए। लेकिन क्या बात है सर, क्या बात है सर। जावेद मियांदाद जैसे खिलाड़ी से अगर आप ऐसे कमेंट एक्सपेक्ट करेंगे तो इससे पता चलता है कि किस लेवल पे थॉट प्रोसेस है पाकिस्तान का, और आज जहाँ पाकिस्तान है वहीं पर पाकिस्तान रहने वाला है। क्योंकि उनके अगर ऐसे लोग जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वहाँ के, चाहे वो किसी भी, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो चाहे वो किसी और फील्ड से हो, लेकिन जब इस लेवल के लोग ऐसे बयान देते हैं तो जहाँ पर कंट्री है मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो कंट्री वहाँ पर वहीं या उससे नीचे आने वाली है। प्लस ना उनका दिमाग ज़्यादा बड़ा हुआ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली पॉलिटिकल। अगर आपको इतना शौक है तो पॉलिटिक्स में उतरिए ना, पॉलिटिक्स में उतरिए, पॉलिटिक्स में आइए और खुल के फिर बात करिए। क्योंकि नॉर्मली आप में इतना जिक्र है नहीं कि आप पॉलिटिक्स में आ जाइए, क्रिकेटर के टैग लेके आप पॉलिटिक्स राजनीति के बारे में बात करते रहते हैं, तो जितना कम बात किया जाए उतना बेहतर है। पाकिस्तान एक पैनिक मोड में है, तो इससे मुझे कोई वो नहीं है कि डाउट नहीं है कि ये जो सारे कमेंट्स आ रहे हैं वो कोई, मैं डिफरेंट तरीके से सोच सकता हूँ, बिकॉज ये एक्सपेक्टेड था उनसे। सही पकड़े हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।